जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप बता रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप चलेगा पार्ट 10। पार्ट 10 में पढ़ना है नाइट्रो के बारे में, नाइट्रो ग्रुप यानी नाइट्रो के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड NO2 जो है इसका स्ट्रक्चर यदि ऐसा बना दे, बॉन्ड O, बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, तो इसको नेम कैसे कहेंगे, इसका नेम हो जाएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट ग्रुप हो जाएगा। और इसको अगर इसी को इस ढंग से स्ट्रक्चर बना दे, इस ढंग से बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो इसका जो नेम हो जाएगा नाइट्रो हो जाएगा। देखिएगा स्ट्रक्चर की वजह से, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर यानी रचना की वजह से इसका नेम दूसरा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो फर्क क्या है कि इसमें जो बॉन्ड खाली ऑक्सीजन पे है, इसमें जो बॉन्ड खाली है नाइट्रोजन पे है, ठीक है ना। इसमें सभी के सभी कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों है, ठीक है ना। तो यही है नाइट्रो, उसके बारे में पढ़ना है। नाइट्राइड के बारे में पढ़ चुके हैं पार्ट 9 में। अब देखिएगा यहाँ पे जब फंक्शनल ग्रुप का बात करें, नाइट्रो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का बात करें, तो यही होगा बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और मैं कैसे लिख सकते हैं, बॉन्ड NO2 भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो फंक्शनल ग्रुप में R को जोड़ दिया जाता है, अल्काइल को जोड़ दिया जाता है, तो जनरल फॉर्मूला बन जाता है। अब क्या करेंगे, इसी में R जोड़ देंगे, किस वाले पार्ट में, तो फंक्शनल ग्रुप जो है ऊपर, इसी फंक्शनल ग्रुप में हम क्या जोड़ देंगे, R जोड़ देंगे, अल्काइल जोड़ देंगे, या इसी को और हम कह सकते हैं R बॉन्ड NO2, इस ढंग से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिएगा इसमें केवल IUPAC नेम होता है, कॉमन नेम इसमें नहीं होता है। तो IUPAC नेम कैसे इसका बनेगा, तो नाइट्रो पहले आता है, इसमें नाइट्रो क्या आएगा पहले। अब अल्काइल है तो आपको अल्केन लिखना है यहाँ पर, क्योंकि जब IUPAC नेम देने जाते हैं तो इसमें अल्काइल नहीं लिखा जाता है, अल्केन पूरा नेम लिखा जाता है, ठीक है ना। तो नाइट्रो अल्केन हो जाएगा, और इसमें नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा और अल्केन बाद में जाएगा, ठीक है ना। और सब में क्या था कि फंक्शनल ग्रुप ही बाद में आ रहा था, मतलब इसका जो नेम है वही नेम बाद में आ रहा था, और ये वाला पार्ट पहले आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। IUPAC नेम अल्केन लास्ट में चला जाएगा, और जो नाइट्रो है वो वाला पहले आ जाएगा, यानी IUPAC नेम नाइट्रो अल्केन हो जाएगा। एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, या इसी को हम कह सकते हैं CH3 बॉन्ड NO2 भी कह सकते हैं। इसका IUPAC नेम कैसे होगा, यहाँ ध्यान दीजिए नाइट्रो अल्केन लिखा गया है, इसके लिए नाइट्रो, इसके लिए नाइट्रो, तो लिख देंगे क्या, शुरू में ही लिख देंगे नाइट्रो, और इस वाले पार्ट को हम अल्केन के रूप में लिखेंगे, अल्काइल के रूप में नहीं, अल्केन तो है मिथाइल लेकिन लिखेंगे मिथेन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, यानी नाइट्रोमीथेन। एक और देखिए C2H5 बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या और दूसरा तरीका क्या है, C2H5 बॉन्ड NO2, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। इसका IUPAC नेम कैसे होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का नेम लिख देंगे, यहाँ देखिए नाइट्रो का पहले लिख देंगे तो हो जाएगा नाइट्रो, अब लिखना है अल्केन, यानी है इथाइल, तो इथाइल को अब लिखना है इथेन, लिख देंगे इथेन, ठीक है ना, नाइट्रो इथेन IUPAC नेम है। अब देते हैं क्लास वर्क आप लोग, ये जो आप एरो देख रहे हैं, ये वाला एरो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन यानी जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के द्वारा, लोन पेयर इसको दिया गया है स्टेबल होने के लिए। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा जब दिया जाता है इस एटम को या किसी भी एटम को, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज होगा, यानी ये एरो वाला, तीर वाला निशान का यूज होता है। चलिए वीडियो एंड होता है।